नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ब्लॉगर स्पर्श रेल न्यूज़ नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ स्पर्श सिन्हा। आज लखनऊ से मैलानी के बीच में पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक चंद्रवीर रमन जी यानी कि जीएम महाप्रबंधक जो हैं उनका दौरा हो रहा है। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं कि जब महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे चंद्रवीर रमन पहली बार लखीमपुर रेलवे स्टेशन पहुँचे तो आखिरकार किस तरह से निरीक्षण किया और हम लोगों ने उन्हें ज्ञापन सौंपा है, आज कुछ मांगे हैं उनको लेकर। आज की इस रिपोर्ट में पूरी बात करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ खबर है और आखिरकार जीएम ने क्या कुछ कहा है, क्या इस रेल प्रखंड पे आने वाले दिनों में कुछ और भी हमें विकास मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस रिपोर्ट की। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों बेल आइकन को दबाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक जीएम चंद्रवीर नमन जी जो हैं उनका आज यानी कि 6 फरवरी को लखनऊ से मैलानी तक के लिए निरीक्षण है और इस निरीक्षण के दौरान वे लखनऊ से निकलने के बाद सीधा सीतापुर जंक्शन रुके। सीतापुर जंक्शन पर उन्होंने इंस्पेक्शन किया, वहां से चलने के बाद में वो सीधे जो आधिकारिक शेड्यूल जो पहले जारी किया गया था उसमें लखीमपुर का नाम नहीं था, मगर हम लोगों का प्रयास था कि वो लखीमपुर रुके और जो तमाम जनता की समस्याएं हैं उनको समझें, मांग जो है और स्टेशन का निरीक्षण भी कहीं ना कहीं करें। लखीमपुर रेलवे स्टेशन महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे चंद्रवीर रमन जी रुके और रुकने के दौरान करीब करीब 40 से 50 मिनट उन्होंने दौरा किया लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर। इस दौरान आपको फुटेज सामने हम दिखा रहे हैं, आपको नजर आ रहा होगा किस तरह से लखीमपुर के सर्कुलेटिंग एरिया की चाहे हम बात करें चाहे हम स्टेशन प्लेटफॉर्म की बात करें उन्होंने दौरा किया। इस दौरे के बाद दोस्तों लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर पत्रकारों से बातचीत भी की। जैसा कि आप सभी परिचित हैं हमारी कमेटी नॉर्थ ईस्टर्न रेल फैंस कमेटी जिसका वाइस प्रेसिडेंट मैं खुद स्पर्श सिन्हा हूं और हमारी कमेटी की ओर से ज्ञापन जो है वो महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे को दिया गया और उस ज्ञापन में तमाम जो है वो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई और उनसे मांग की गई। क्या कुछ ज्ञापन में हमने दिया है आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा, हम आपको दिखा भी देते हैं कि आखिरकार क्या कुछ हमने मांग की है। सबसे पहले बात करें तो जो आपको पता है जैसा कि आप परिचित हैं कि बीते 4 फरवरी से नया टाइम टेबल इस रेल प्रखंड पर लागू किया गया है, उसको लेकर हमने उन्हें जरूर से धन्यवाद दिया कि आपने लखनऊ से शाम को भी ट्रेन कर दी है, ये सब चीज़ें एक सीतापुर से मैलानी सीतापुर के बीच में ट्रेन बढ़ा दी है, इसको लेकर भी हमने धन्यवाद दिया। मगर इसके साथ साथ पहला जो हम लोगों ने मांग उनके सामने रखी वो ये रखी कि जो 50, 87 और 88 जो मैलानी से सुबह पहली ट्रेन जो डालीगंज जा रही है और डालीगंज से शाम को 6:15 बजे जो मैलानी के लिए रवाना हो रही है, ये ट्रेन का विस्तार किया जाए ऐशबाग या लखनऊ जंक्शन तक, पहली मांग हमने ये रखी। इसका कारण जिससे लखनऊ सिटी उतरने वाले यात्रियों, ऐशबाग उतरने वाले यात्रियों और जंक्शन तक यानी कि चारबाग जाने वाले यात्रियों को भी कहीं ना कहीं फ़ायदा हो। कई ऐसे दोस्तों लोग हैं जो लखीमपुर मैलानी की दिशा से जाते हैं, लखनऊ सिटी, राम मनोहर लोहिया मेडिकल कॉलेज और सिविल अस्पताल परामर्श के लिए जाते हैं, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा होगा। तो इसके लिए हम लोगों ने मांग की है कि इसका विस्तार जो है वो आगे ऐशबाग तक कर दिया जाए या लखनऊ जंक्शन तक कर दिया जाए। इसके बाद जो हमारी अगली मांग है वो हमने मांग करी है कि 050, 87 और 88 यानी कि यही जो पैसेंजर ट्रेन है अभी जो पैसेंजर ट्रेन के रूप में चल रही है इसको सेंचुरी एक्सप्रेस का दर्जा दिया जाए। आप सभी परिचित हैं मीटर गेज के समय में सेंचुरी एक्सप्रेस सुबह चला करती थी, इस ट्रेन को भी सेंचुरी एक्सप्रेस का दर्जा मिलना चाहिए और इसके साथ साथ जो अभी यह ट्रेन 9:55 पर डालीगंज पहुंच रही है इस ट्रेन को 10 बजे तक ऐशबाग या जंक्शन तक किया जाए, थोड़ा सा परिवर्तन इसमें भी किया जाए। इसके बाद हम लोगों ने मांग की है 054/89 और 054/91 को लेकर। आप सभी भली भांति जानते हैं कि सीतापुर मैलानी के बीच में एक नई ट्रेन का संचालन शुरू किया गया है 054/91 जो मैलानी से सीतापुर तक जाती है, दोपहर 2:30 बजे मैलानी से चलकर शाम को 5:25 पर सीतापुर जंक्शन पहुंचती है। वहीं सीतापुर जंक्शन से लखनऊ जाने वाली 054/89 5 बजे सीतापुर से निकल जाती है लखनऊ के लिए। अब ऐसे में लखीमपुर मैलानी से यात्री आ रहे हैं, गोला से यात्री आ रहे हैं, उनको आगे लखनऊ जाने के लिए कनेक्शन नहीं मिल रहा अगर वो इस ट्रेन से सीतापुर तक यात्रा करते हैं। तो हम लोगों ने मांग की है कि कम से कम इस 054/89 और 054/91 दोनों का कनेक्शन दिया जाए। इसके साथ साथ हमने बात की है सीतापुर तक आने वाली 12/107/108 जो LTT सुपरफास्ट है उसका विस्तार लखीमपुर अथवा मैलानी तक किया जाए, जिससे लखीमपुर जनपद वासियों को और आसपास के क्षेत्रवासियों को भी बड़ा अवधा है। दोस्तों नेपाल बॉर्डर करीब में लगता है, कई ऐसे लोग हैं जो मुंबई जाते हैं उन्हें लाभ हो सके, इसकी हमने मांग की है। इसके साथ साथ गोंडा सीतापुर के बीच में चलने वाली पैसेंजर ट्रेन जो है जो शाम को गोंडा के लिए रवाना होती है सीतापुर से, उसको लखीमपुर या मैलानी तक किया जाए, उसकी बात हमने की है, मांग की है। इसके साथ साथ हमने मांग की है 15,009/15,010 की
15009 15010 गोरखपुर मैलानी के बीच में संचालित की जाने वाली गोरखपुर मैलानी एक्सप्रेस जिसका ठहराव महबुल्लापुर रेलवे स्टेशन पर देना चाहिए। लंबे अरसे से मांग इसको लेकर भी है कि महबुल्लापुर रेलवे स्टेशन पर इसका ठहराव दिया जाए, इसको लेकर भी हमने मांग की है। और इसके साथ साथ हमारी कमेटी ने ध्यान आकर्षित किया महाप्रबंधक का मैलानी सागर रेल प्रखंड पर भी। जी हाँ, मैलानी सागर जैसा कि आप जानते हैं लंबे अरसे से ट्रेनों का इंतजार हो रहा है। CRS वो एक साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है और रेल प्रखंड टकटकी लगाए बैठा हुआ है कि आखिरकार कब हमें ट्रेनें मिलेंगी। जनता परेशान, जनता इंतजार में है। ऐसे में हम लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द OHE का जो भी समस्या है, जो भी काम है, वो सब कंप्लीट करके और इस रेल प्रखंड पर ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाए। वहीं सागर पीलीभीत रेल प्रखंड जो है, जहाँ पर गेज कन्वर्जन का काम चलते हुए लंबा अरसा बीत गया, 5 साल से ज़्यादा का समय बीत गया, ट्रेन अभी तक नहीं चल पाई, गेज कन्वर्जन कंप्लीट नहीं हो पाया, उसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए, ऐसी भी हमने मांग के सामने रखी है। तो ये कुल मिलाकर 8 मांगें थीं जो हमने महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे चंद्रवीर रमन के सामने रखी हैं। उन्होंने हमारी कमेटी का ज्ञापन स्वीकार किया है और कहीं ना कहीं इस वीडियो में हम उनका भी आपको बयान भी सुनाते हैं कि आखिरकार उन्होंने बयान में कहा क्या है। और साथ ही साथ ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं चंद्रवीर रमन जी ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार ये तमाम जो हम लोगों ने मांग की हैं इस पर कितना ज़्यादा अमल किया जाता है, के निवारण में कितना ज़्यादा अमल होता है, ये तो भविष्य ही बताएगा। बहरहाल आप बयान सुनिए। यहाँ पैसेंजर को घिसकते भी देखा गया है सर, आपने दिया है कि अच्छा ठीक है, उसको हम ध्यान में देते हैं कि क्या पॉलिसी है, कि बहुत जगह 2 मिनट का है, बहुत जगह 5 मिनट का है, तो उसमें तो हम ऑन द स्पॉट आपको कुछ नहीं कह सकते, उसको देखना पड़ेगा। हमारा कहना करिए जिला मुख्यालय जो उसके साथ ध्यान काम है वो कब ठीक है। देखिए उसमें क्या है, फॉरेस्ट जो क्लियरेंस में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो वो हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के टच में है, तो होपफुली जल्दी हो जाएगा, उसके बाद ही हो जाएगा। सर में 5 साल हो गया सर, 5 साल और लखनऊ से सर पीले भी 4 साल में पूरा हो गया। मीटर गेज का ट्रैक बिछाया गया था अंग्रेजों ने, 4 साल में पूरा ट्रैक लखनऊ से पीले भी बिछा दिया था, जबकि उनके पास कोई रोड भी नहीं था, उनको सर्वे भी करना था सर, सब कुछ हो गया था। उसके बावजूद भी 5 साल में हम लोग यहाँ पर नेट इस बार हम क्लियर जानकारी नहीं है, 3 महीने बताया जाता है कि 3 महीने बाद शुरू हो जाएगा। तो उसको हम लोग रेलवे ने RVNL एजेंसी को काम दिया हुआ है और हम लोग RVNL एजेंसी से टच में हैं, उनको कुछ क्लियरेंस के इशू आ रहा है कुछ पोर्शन में जो पीलीभीत से सागर के बीच, उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर रहे हैं। अब क्या उम्मीद है इसे, उम्मीद तो हम जल्दी से करें। कितना सर, कितना समय से क्लियरेंस का इशू पड़ा हुआ है सर? अभी एक्सप्रेस ट्रेन की भी एक बहुत जरूरत है, एक ही लोकल एक्सप्रेस ट्रेन है कि एक है कि ट्रैक जो लिंक करना है, दूसरी बात है आपको ये भी करना है, OHE भी करना है। क्या सर 6 मंथ अभी मान सकते हैं? हो जाना चाहिए सर। अभी जो बजट आया उसमें 450 करोड़ नए पथ को मिला, यहाँ कौन सा नया पथ को बनना है? हम लोग इधर जो बहराइच से इधर जो है ना नानपारा और नेपालगंज जो है वो हमारा गेज कन्वर्सन वाला में है, वो गेज कन्वर्सन अलॉन्ग विद इलेक्ट्रिफिकेशन में है। तो वो सर कब तक शुरू होगा जो बहराइच वाला बता रहे हैं? उसका हम लोग टेंडर वगैरह कर रहे हैं सर। एक चीज़ और, ये 2:30 बजे जो ट्रेन मैलानी से नहीं चलाई गई है, सीतापुर उसका 5:25 समय रखा गया है, सीतापुर से ट्रेन जाती है लखनऊ, वो 5 बजे चली जाती है। ऐसा सर कीजिए कि जो ट्रेन सीतापुर तक जाती है वो लिंक हो जाए, तो हम लोग लखनऊ तक उससे यात्रा करते हैं। केवल 15 मिनट बैक करना है उसका समय, हम लोग समय से। ये ट्रेन नई सर्विस शुरू की है रिसेंटली, आप लोग का रिप्रेजेंटेशन था, एक हम लोगों ने शुरू किया है, टाइम उनका चेंज का जो है आप दे, उसको हम एग्जामिन करेंगे, फिजिकल होगा। फिर उन लोग को एक सर लखनऊ जाने के लिए एक और रास्ता मिल जाएगा, वो सीतापुर तक जाएगी, सीतापुर से उतर कर उस सीतापुर वाली ट्रेन में बैठ के हम लोग लखनऊ चले जाएंगे। आपने दे दिया जी, ये नई ट्रेन तो आप लोग की डिमांड जी सर, लेकिन सर कुछ ना कुछ हम लोग जब नए मांग करते हैं तो जो अच्छा होता है उसके साथ कुछ बिगाड़ भी दिया जाता है, जैसे कि ट्रेनें जो लखनऊ तक जाती थी वो डालीगंज तक कर दिया, अब जिनको लखनऊ से कानपुर या कोई और ट्रेन पकड़नी है वो डालीगंज से कैसे जाएगी? और सर मुंबई वाली ट्रेन सीतापुर तक आ सकती है, यहाँ तक विस्तार कर दिया जाए तो एक सुविधा ये भी मिल जाएगा। आप 6 महीने तक सर कम से कम उसको प्रायोगिक तौर पर देखिए, अगर फायदा नहीं होता तो आप उसको कैंसिल, लेकिन एक बार आप उस पर इम्प्लीमेंट तो कीजिए सर, रिक्वेस्ट है आपसे पर्सनली। यहाँ की ट्रेनों को कम से कम एडवांस तो किया जाए, कम से कम ठीक है। ओके थैंक यू।
तो जैसा कि आपने सुना कि महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे ने किस तरह से बताया कि आप इस दौरे के क्या मायने देखते हैं, आप अपनी राय हमें ज़रूर कमेंट में दीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। इस रिपोर्ट को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। नमस्कार।